अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच दुश्मनी और लड़ाई की सजा अब रूस भुगत रहा है। रूस ने ही इन दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाकर सीज फायर करवाया था, लेकिन अब रूस का एक टॉप का कमांडर अजरबैजान में मारा गया है। इस बीच अमेरिका आर्मेनिया में सुपर एक्टिव हो चुका है। अजरबैजान में मारा गया रूस का सबमरीन कमांडर। रूस के कर्नल की भी अजरबैजान के हमले में मौत। रूस अजरबैजान को छोड़ेगा नहीं। अजरबैजान ने रूस से डायरेक्ट दुश्मनी मोल ले ली है। रूस के कमांडर को मार गिराया है। अजरबैजान के पास कितनी जान है, वो रूस जैसे ताकतवर के साथ जूझे। जाहिर है इस हमले में सिर्फ अजरबैजान नहीं, कोई और देश भी शामिल है। रूस का नया दुश्मन कौन है, इसकी डिटेल आगे देखें। उसके पहले रूस के उस कमांडर की डिटेल देख लीजिए। कैप्टन इवान कोवगान। अजरबैजान की आर्मी ने ओपन फायर किया है। कैप्टन इवान कोवगान की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। जिस व्हीकल पर हमला किया गया उसमें कहा जा रहा है कि रूस के शांति दूत थे जो नागोर्नो काराबाख जा रहे थे। इस काफिले में कैप्टन इवान कोवगान के साथ रूस के एक कर्नल और चार सर्विसमैन की मौत हुई है। उस सवाल पर आएंगे कि नागोर्नो काराबाख क्यों जा रहे थे रूस के टॉप सबमरीन कमांडर। क्या है ये नागोर्नो काराबाख जिसकी चर्चा इंटरनेशनल मंचों पर हो रही है? रूस के कमांडर के मारे जाने के बाद पुतिन ने अब तक क्या एक्शन लिया है, उसकी भी डिटेल रिपोर्ट हमने तैयार की है। लेकिन पहले कैप्टन इवान कोवगान, जिसकी मौत से पुतिन बहुत दुखी है। कैप्टन इवान रूस के नॉर्दर्न सबमरीन फ्लीट में डिप्टी कमांडर थे। रूस की इस फ्लीट का अड्डा आर्कटिक है। कैप्टन इवान के साथ जिस कर्नल ताकिर मोरोद कारो की मौत हुई, वो रूस के केमिकल और रेडिएशन विभाग में तैनात थे। अजरबैजान ने रूस की आर्मी को क्यों निशाना बनाया? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि रूस का आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। इस वक्त अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच गदर मचा है। जिस इलाके में अजरबैजान और आर्मेनिया आमने सामने है, उसी का नाम है नागोर्नो काराबाख। ये जगह इस वक्त खून की प्यासी सेना के हवाले है। अजरबैजान ने 19 सितंबर को आर्मेनिया के कब्जे वाले नागोर्नो काराबाख इलाके में अलगाववादियों के खिलाफ हमला कर दिया था। नागोर्नो काराबाख का इलाका अजरबैजान में आता है। 40,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी अजरबैजान का अधिकार मानती है, लेकिन 1990 के दशक से इस इलाके पर आर्मेनिया का एक तरह से अधिकार है। नागोर्नो काराबाख में मौत की आंधी चल रही है और रूस का दावा है कि इसी मौत की आंधी में उखड़े लोगों के लिए मरहम पट्टी लेकर उनकी सेना नागोर्नो काराबाख जा रही थी, तभी अजरबैजान की सेना ने उन पर अटैक किया। नागोर्नो काराबाख कूच कर रही रूस की सेना का रूट समझिए। रूस की पीस कीपिंग फोर्स को नागोर्नो काराबाख पहुंचने के लिए अजरबैजान के दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर दूरी तय करनी होगी, यानी पूरा अजरबैजान इस पार से उस पार। अजरबैजान रूस का दुश्मन नहीं, दोस्त रहा है, और आर्मेनिया भी रूस के सबसे पुराने दोस्तों में एक रहा है। लेकिन जब अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख पर हमला किया तो रूस ने आर्मेनिया का साथ देने की बात कही, लेकिन पुतिन ने कुछ भी नहीं किया। लिहाजा अब मामला उल्टा है। रूस के सबमरीन कमांडर और कर्नल की मौत पर अजरबैजान ने माफी मांग ली है, लेकिन रूस इस वक्त आर्मेनिया से बहुत नाराज है, क्योंकि पुतिन की गिरफ्तारी का जो इंटरनेशनल वारंट पश्चिमी देशों ने निकाला है, आर्मेनिया उसके पक्ष में बोलने लगा है। रूस ने इसीलिए आर्मेनिया को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। लेकिन मामला बस इतना नहीं है, और नागोर्नो काराबाख में युद्ध लड़ने वाले सिर्फ दो देश आर्मेनिया और अजरबैजान नहीं है, बल्कि यहाँ भी मामला इंटरनेशनल है, क्योंकि इन दोनों देशों की दुश्मनी की कहानी दशकों में फैली है और नागोर्नो काराबाख इस कहानी का केंद्र बिंदु है।
आर्मेनिया नागोर्नो काराबाख को ईसाई समानता से जोड़ता है। काराबाख के आर्मेनियाई नस्ल के ईसाइयों ने एक अलगाववादी आर्मी बना रखी है, जिसको काराबाख फोर्स के नाम से जाना जाता है। काराबाख फोर्स ने मुस्लिम बहुल देश अजरबैजान के खिलाफ बगावत की थी और उन्होंने इलाके पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन जब अजरबैजान ने इस पर हमला किया तो काराबाख फोर्स को आर्मेनिया हथियार ही उपलब्ध नहीं करवा पाया और इसीलिए आर्मेनिया समर्थित ईसाई बहुल काराबाख फोर्स को सरेंडर करना पड़ा। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसने के बाद अपने वादे को पूरा करने में फेल साबित हो रहा है। वहीं अजरबैजान लगातार भीषण हमले कर रहा है। यही वजह है कि अभी कुछ दिन पहले ही आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि उनका देश रूस के ऊपर सुरक्षा के गारंटर के रूप में भरोसा नहीं कर सकता है। ये पूरा इलाका दशकों से रूस के प्रभाव वाला रहा है, लेकिन अब पुतिन की पकड़ कमजोर होती जा रही है। वहीं रूस के कमजोर होते ही अमेरिका ने आर्मेनिया में अपनी भूमिका बढ़ा दी है। अमेरिका के सैनिक अब आर्मेनिया में शांति रक्षक ट्रेनिंग के नाम पर पहुंचे हैं, जिससे रूस की सरकार भड़की हुई है। यह अभ्यास 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें अमेरिका के 85 सैनिक और आर्मेनिया के 175 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। यह अभ्यास भले ही बहुत छोटे स्तर का हो, लेकिन इसे रूस के विदेश मंत्रालय ने अपने दोस्त आर्मेनिया का गैर दोस्ताना कदम करार दिया है। यही नहीं, आर्मेनिया ने हाल ही में पहली बार यूक्रेन को मानवीय मदद भेजी है। नागोर्नो काराबाख पर हमने आपको बताया कि इंटरनेशनल बिरादरी इस इलाके पर अजरबैजान का अधिकार मानती है, लेकिन नागोर्नो काराबाख पर जब अजरबैजान ने हमला कर दिया तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में अजरबैजान की सैन्य कार्रवाई अस्वीकार्य है, इससे मानवीय स्थिति और खराब होने का खतरा है। मौजूदा संघर्ष को खत्म करने और सीधी बातचीत होनी चाहिए। इससे पहले भी अजरबैजान और अमेरिका के बीच युद्ध हो चुका है। पहला युद्ध सोवियत संघ के पतन के बाद 1990 की शुरुआत में हुआ था, जबकि दूसरी जंग 2020 में दोनों देशों के बीच 29 दिनों तक चली थी, जो रूस की मध्यस्थता के कारण रुक पाया था। इसके अलावा सितंबर 2022 में भी आर्मेनिया और अजरबैजान आमने सामने आए थे। नागोर्नो काराबाख पर पूरी तरह से आर्मेनिया से मुक्त करने के लिए अजरबैजान के स्पेशल ऑपरेशन में मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। आर्मेनिया किसी भी कीमत पर यहां डटे रहना चाहता है। क्रोनोलॉजी समझिए, आर्मेनिया की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलने के बाद काराबाख में मौजूद अलगाववादियों ने सरेंडर कर दिया। ये इलाका अजरबैजान के कब्जे में आ गया। आर्मेनियन अधिकारियों के मुताबिक हमले में 7 नागरिकों सहित 32 लोगों की मौत हुई और 200 लोग घायल हुए। वहीं आर्मेनिया सेपरेटिस्ट के ह्यूमन राइट्स अधिकारियों के मुताबिक हमले में करीब 200 लोगों की मौत हुई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं हुई है। अजरबैजान के मुताबिक सीज फायर से पहले उनकी सेना ने अलगाववादियों के करीब 90 ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। 20 सितंबर को रूस पीस मेकर्स के जरिए दोनों पक्षों के बीच सीज फायर समझौता हुआ। ये समझौता अजरबैजान की शर्तों पर हुआ। समझौते के मुताबिक काराबाख फोर्स को भंग करके उनके हथियार जब्त किए जाएंगे। इसके अलावा इलाके से आर्मेनिया की सेना को भी पीछे हटने के लिए कहा गया है। हालांकि आर्मेनिया की सरकार ने दावा किया है कि उनकी सेना की कभी भी काराबाख क्षेत्र में तैनाती ही नहीं थी। रूस इन दोनों देशों का बड़ा भाई है। इस बीच अमेरिका पुतिन को डायरेक्ट मैसेज दे रहा है कि इन दोनों देशों से उसके भी हित जुड़े हुए हैं।